अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ आलू के पराठे साथ में खट्टी मीठी इमली की चटनी। चलिए शुरू करते हैं। हमने बॉल लिया, हमने उसके अंदर इमली डाली, पानी डाला और उसके बाद हमने उसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून कुटी मिर्च डाली और हाफ ही टेबल स्पून हमने नमक डाला और ये हमने चीनी डाल दी। चीनी हमारे पास 5 से 6 टेबल स्पून थे और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे हमने इसको पकाने के लिए छोड़ दिया। अब ये पक रही है, ये देखें। इसका चीनी थोड़ी ज़्यादा जाएगी क्योंकि ये खट्टी होती, खट्टी मीठी चाहिए हमें, तो इसलिए ये देखें ये पक रही कितनी अच्छी पक रही है। इसको अब आलू के पराठे के साथ खाएं, बहुत मज़े की लगती है। साथ में अब हम लोग आलू के पराठे की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। हमने आलू बॉईल किए, इसको हम लोग मैश करेंगे बहुत अच्छे से। इसको ज़्यादा मोटा नहीं छोड़ना हमने क्योंकि आलू के पराठे जो होंगे वो फट जाएंगे वरना। हमने इसे बहुत अच्छे से मैश कर लिया। अब हम लोग इसके अंदर स्पाइसेस ऐड कर रहे हैं। हाफ़ टेबल स्पून नमक ऐड किया, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं और 1 टेबल स्पून हम लोगों ने सिरका ऐड किया। ये देखिए हमने सिरका ऐड कर दिया और उसके बाद हम लोगों ने 2 से 3 ड्रॉप हम लोगों ने चिली सॉस ऐड किया। ये आपकी मर्ज़ी है ऐड करें कि नहीं, हमने कर लिया था। और हम लोग इसके अंदर अब ऐड करेंगे हाफ़ टेबल स्पून धनिया पाउडर और हाफ टेबल स्पून ज़ीरा पाउडर। ज़ीरा पाउडर ऐड करना है, ज़ीरा नहीं ऐड कर लीजिएगा। और ये में हम लोग इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर रहे हैं। देखिए अच्छा, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, मेरी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। ये देखें जो हम लोगों ने स्पाइसेस ऐड किए थे और ये जो आलू का मिक्सर है, हम लोगों ने इसको इस तरह अपने जो पराठे का जो पेड़ा है ना, ये इस तरह हम लोग ना पूरा इसके ऊपर हम लोग ऐड कर लेंगे पूरा। बहुत अच्छे से हम लोग इसको लगा लेना है, फिल कर लेना है। ये देखिए आप लोग ये कर रहे हैं हम लोग इसको और पूरा फिल, ये देखिए अच्छे से हम लोगों ने कर लिया। और उसके बाद हम लोगों ने दूसरा पेड़ा हमने इसके ऊपर रख दिया। अब इसको हम लोग चारों साइड से मतलब हर पूरी तरफ से पूरा इसको बहुत अच्छे से पैक कर लेंगे क्योंकि अगर हम लोग अगर इसको अच्छे से पैक नहीं करेंगे तो ये खुल जाएगा बीच में से और इसमें से जो आलू का मिक्सर है बाहर आ जाएगा। बहुत मज़े के आलू के पराठे बने थे गर्मा गर्म और साथ में वो खट्टी मीठी इमली की चटनी। तो देखिए इस तरह हमने इसके ऊपर खुशका लगा दिया और उसके बाद हम लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता बेल लेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं बेलना हमने। उसके बाद ये हमने इसको तवे पर डाल दिया और इसको हम लोग थोड़ा गोल्डन गोल्डन सा सिकने देंगे और हमने इसकी साइड चेंज की। प्लीज़ आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बना था और मुझे इसका फीडबैक भी दीजिएगा। जबकि दोनों तरफ से थोड़ा सा हो गया पकने वाला तो उसके बाद अब हम इसके ऊपर घी लगा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। हमने एक घी लगाया, ये देखिए 2 से 3 मिनट हम अभी इसे पकने देंगे ताकि ये कच्चा ना रह जाए। सही, हम इसको अच्छे से पका लेंगे। इसके बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और बहुत ध्यान से करेंगे कि ये टूट ना जाए बीच में से। ये देखिए तो हमने इसकी साइड चेंज कर दी इस तरह से, अब हमने इसकी साइड चेंज कर दी। अब हम इसको दूसरी तरफ से भी पका रहे हैं और इस तरह से हम लोग इसको ये हाफ ऑफ करके इस तरह से हम करेंगे कि ये पूरा पक जाए। देखें कितना क्रिस्पी बना था और ये गोल्डन गोल्डन सा कितना अच्छा लग रहा है, बहुत मज़े का था। वैसे भी एक बात है ना कि माओ के हाथ का तो खाना वैसे ही बहुत मज़े का होता है। तो ये रेसिपी भी मेरी अम्मी की है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कैसा बना आप लोगों का आलू का पराठा। ये देखिए हम लोग इसको इस तरह चारों तरफ से हम लोग सेक लेंगे ताकि ये कच्चा ना रहे अंदर से। ये देखिए कितना मज़े का लग रहा है, गोल्डन सा क्रिस्पी, बहुत मज़े का बना था। और इसको गर्मा गर्म इंजॉय कीजिए। ये देखिए हमारा पराठा भी रेडी हो गया। हमने इसके बाद हमने इसके ऊपर मक्खन लगाया और हमने इसके बाद हमने इमली की चटनी के साथ एंजॉय किया। चलें जी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।